देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,14,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने। 2,681 मरीजों की मौत हुई। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नए कोरोना वेरिएंट का खुलासा हुआ जो 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर सकता है। वायरस का यह वेरिएंट ब्राजील में सबसे पहले मिला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, लिखा कि प्लोटिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 13,659 नए मरीज मिले, जबकि 21,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 741 मरीजों की जान चली गई। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया। अभिनेता को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दिल्ली में 24 घंटे में 14 से अधिक केस मिले हैं और 60 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 6,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। देश में कोरोना के 723 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 59 लोगों की जान चली गई। रिकवरी रेट 97.42% पर पहुंचा है। राम रहीम को मेडिकल जांच के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया। राम रहीम की पिछले दिनों रोहतक पीजीआई में भी जांच हुई थी। डॉक्टर्स के परामर्श के बाद मेदांता लाया गया। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर टोहाना में किसान मोर्चा ने नेताओं ने पूरी रात धरना दिया। इस दौरान महिलाओं ने गीत गाकर सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा है। एक दिन की राहत के बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। डीजल का रेट 29 पैसे प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल का दाम 27 पैसे प्रति लीटर पहुंचा।